आमेट के ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित परियोजना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तहत आमेट ब्लॉक के गादरोला गांव में सीआरपी टीम द्वारा 114 परिवारों का सर्वे करके 6 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। आम सभा में राजीविका के ब्लॉक परियोजना प्रबंधक प्रेमनाथ योगी ने महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी व क्लस्टर प्रभारी शिवलाल बैरागी ने सभी महिलाओं को राजीविका की संपूर्ण जानकारी दी। क्लस्टर प्रभारी राजेश कुमार लोधा ने महिलाओं को समूह के पंचसूत्र के नियम बताए। जोधपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के निगम के विभिन्न वार्ड में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति और भावी विकास कार्यों को लेकर शहर का दौरा किया। जिला कलेक्टर ने विकास कार्यों की स्थिति का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशन में जोधपुर विकास प्राधिकरण व नगर निगम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज नगर निगम उत्तर व दक्षिण के साथ मिलकर दौरा कर आमजन को राहत मिले ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन के अंदर जोधपुर शहर के लिए लगातार विकास कार्यों के लिए जेडीए और नगर निगम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हों, जैसे कि ऑडिटोरियम है, बरकतुल्ला स्टेडियम है, हेरिटेज वॉक्स और लूपिन ट्रैफिक की बात है, उन सब कार्यों के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं कि धरातल पे जाके वार्ड स्तर पे क्या समस्याएं हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनके निराकरण करने के लिए टीम के साथ बैठ के कार्य योजना बनाई जाए। आज तकरीबन निगम दक्षिण और निगम उत्तर के साथ मिलके 3-4 घंटे का दौरा किया गया है, जिसमें इंजीनियर्स हमारे साथ रहे हैं, कमिश्नर साहब साथ रहे हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बात को साथ में लिया गया है। प्रयास ये किया जा रहा है कि धरातल पे जो डीपीआर बने वो वास्तविकता के बिल्कुल नजदीक हो और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया जाए जिन प्रोजेक्ट से आम जन को राहत महसूस हो, चाहे वो केंद्र की स्कीमें हो, चाहे वो राज्य सरकार की स्कीमें हो, उन सबकी डब टेलिंग करते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा कार्य ऐसे करने हैं जिससे पब्लिक को राहत सीधे सीधे मिल सके। राज लदेसर के निकटवर्ती ग्राम परसनेऊ में आखाराम दादोजी की तपोभूमि पर बने शक्ति पीठ में पूर्व देवस्थान मंत्री राजकुमार रेणवा की प्रेरणा से शहीद भगत सिंह ग्रुप व आपनो राजाना सेवा संस्था राज लदेसर द्वारा फूलों के पौधों से दरबार सजाया गया। इस दौरान गमले सहित पौधे लगाकर दरबार में सजावट की गई। शहीद भगत सिंह ग्रुप के अध्यक्ष श्रवण सैनी ने बताया कि दादाजी धाम में विशेष मेले पर देश के कोने कोने से भक्त आते हैं, मंदिर में पौधे लगाकर दरबार में सुंदरता को बढ़ावा मिलेगा। खींवसर की ग्राम पंचायत मांडपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा की गुणवत्तापूर्ण व सफल संचालन के लिए शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति हेतु परीक्षा आयोजित की गई। प्रधानाचार्य दुलाराम रायका ने बताया कि पढ़ना लिखना अभियान के तहत 85 लोगों को साक्षर किया गया, जिसमें महिलाओं व पुरुषों ने परीक्षा दी। राज लदेसर के प्रगतिशील प्रजापति संघ की ओर से 1 अगस्त को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर सीएससी राज लदेसर में संस्था के पदाधिकारी व चिकित्सा अधिकारियों के साथ मिलकर व्यवस्था का जायजा लिया गया, जिसमें शिविर को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। प्रगतिशील प्रजापति संघ के द्वारा साथ मेरी मीटिंग हुई है, जिसमें हमने 1 अगस्त 2021 को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन का प्रोग्राम फिक्स है हमारा पहले से ही, जिसके तहत हमें 150 यूनिट तक ब्लड डोनेशन की उम्मीद है। कोरोना के बाद हम पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। 2 साल पहले भी हमने माधव सेवा संस्थान के साथ ब्लड डोनेशन कैंप किया था और उससे भी हमने काफी अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप किया था। मुझे उम्मीद है इस बार भी काफी अच्छा ब्लड डोनेशन होगा। स्थानीय संस्था प्रगतिशील प्रजापति संघ राज लदेसर के तत्वाधान में 21 अगस्त 2021 को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के संबंध में आज हमारे अस्पताल के डॉक्टर साहब संजय जी बुंदेला के साथ हमारी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए मीटिंग हुई, जिसमें अन्य सभी डोनरों की आने वाली टीमों की व्यवस्था के लिए जायजा लिया और ये व्यवस्था आयोजन रूप दिया। मैं गांव के युवाओं से निवेदन करूंगा कि हम धार्मिक आस्थाओं के लोग हैं, रक्तदान सो महादान, तो महादान इसको कह गए, तो युवाओं से निवेदन है कि वो बिना किसी भय और भ्रम के रक्तदान करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए टीवी न्यूज़।